परिवार के बाद आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तर पर प्राणी बड़े आहार के इसी समय बड़े बड़े शाकाहार एवं मांसाहारी स्तर पर प्राणी धरती पर विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज डायनोथेरियो और घोड़े के पूर्वज यूहिप्पस की उत्पत्ति जो आज के हाथी और घोड़े में पाए गए लेमुर टर्सियो जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायनोथेरियो जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहाँ मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं मंदिरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का जलवायु में शीतलता एवं पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाके तो ऐसे कई मौके रहे जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोगों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्टगुंबद आकार के गोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शांति से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशाल का स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। चले जाओ बाबा, चले जाओ। उम्मीद है कि आपको सफर में मजा आया होगा जहाँ जीवन विकसित होगा।